हेलो दोस्तों, मैं आया हूँ आज वृंदावन घूमने के लिए। और जब मैं वृंदावन आया तो मुझे करने थे प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन। तो हुआ यूँ कि मुझे किसी ने बताया कि अगर आपको उनके दर्शन करने हैं तो आपको कम से कम रात में 1 बजे से पहले पहले परिक्रमा मार्ग पर पहुंचना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी वहाँ पर कि आपको खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो फिर मैं वहाँ पर सुबह पहुँचा, और जब मैं वहाँ पर पहुँचा वहाँ का ये नज़ारा था, आप लोग देख सकते हैं कम से कम 50,000 आदमी उस समय वहाँ पर था जो महाराज जी का इंतज़ार कर रहा था उनके निकलने का, कब वो निकलें और उनके दर्शन हों। और जब वो निकले तो कम से कम 3 बज चुके थे, तो ये मान लो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक 2-3 घंटे तक लोग ऐसे ही बैठे रहे, और लोगों ने रास्ते में फूल बिछा रखे थे, जगह जगह पर लोगों ने रंगोली बना रखी थी। और जब महाराज जी निकले उससे पहले उनका पहले से एक काफला निकलता है जो कि बताता है कि किसी को भी महाराज जी के ऊपर पुष्प नहीं फेंकने हैं, केवल रास्ते पर ही बिछाने हैं। और जब जो नज़ारा था ना, वो ऐसा था अद्भुत जैसे साक्षात कोई भगवान आ गया हो। एकदम सी चारों तरफ सारे लोग एक ही चीज़ चिल्ला रहे थे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और महाराज जी इतने खुश थे, लेकिन कुछ लोग बता रहे थे उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो शायद ना आए। लेकिन फिर भी जब उन्होंने देखा कि मेरे इंतजार में इतने सारे लोग इतनी रात में बैठे हुए हैं, तो वो अपने आप को रोक नहीं सके और हमें अपने दर्शन दिए। देखिए आप किस तरह।